के लिए, हैदराबाद के पाए खाने के लिए, लखनऊ क्यों जाएंगे, लखनऊ की बिरयानी खाने के लिए, बॉम्बे क्यों जाएंगे, वड़ा पाव खाने के लिए, साउथ इंडिया में क्या मिलेगा, डोसा मिलेगा, एवरीथिंग एवरी कल्चर इज रिलेटेड टू इट्स फूड एंड द पीपल. विद दैट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आवर नेक्स्ट स्पीकर टुडे मिस्टर कुमेल किरमानी. सो आई डोंट थिंक कुमेल नीड्स इंट्रोडक्शन, बट देन just to give a few highlights, he's obviously the founder of Begum's Kitchen. So I think he's the first in our community who came up with this concept of cloud-based kitchen. So for those of you who don't know, you know, people start their business right from their home, and startup does not need to be a fancy office. It can be your home, it can be your home kitchen, it can be your garage. Like some of the famous organizations like Apple, Dell and Microsoft, all of these organizations have mostly started from their garage. And today they are a million, billion dollar businesses. So Kumail Kirmani is founder of Begum's Kitchen. He is also the marketing head and the founder of Wise All Marketics. So please welcome Kumail Kirmani with your loudest salwad. Allahumma salli ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. खुशी की बात है कि इतने सारे डिग्नेटरीज के सामने मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उम्मीद करता हूं कि जो मेरी लर्निंग लेसन्स, जो जर्नी मैंने हासिल किया है ओवर द लास्ट 7 odd years, हो सकता है किसी एक इंसान की भी अगर ये फ़ायदेमंद हो जाए तो शायद आपका टाइम, हमारा टाइम मुकम्मल तौर पर कामयाब है. काफ़ी रेप्यूटेड बिजनेसमैन है यहाँ पे, उलमाए दीन है यहाँ पे, तो हमको पता है कि हम लोग इल्म की जो जर्नी होती है वो माँ के शिकम से होती है, और हर एक इंसान को मालूम है कि इल्म हासिल करने के लिए शुरुआत घर से ही होती है, फिर वो मदरसा जाता है या स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर लाइफ एज एन एक्सपीरियंस आपको सिखा देती है कि जीना कैसे है. बट एवरीबडी इज़ रनिंग बिहाइंड सक्सेस. ये सक्सेस होती क्या है? पैसा, रुतबा, शोहरत, इज्जत, हेल्थ, ये सक्सेस है क्या? तो अगर मैं आपको किसी को इंटरेक्शन के लिए अगर मैं आपको सवाल करूं कि आपके हिसाब से सक्सेस क्या है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? कोई भी इंटरेक्ट करेंगे सो दैट लंच के बाद थोड़ा गुनुदगी आती है. तो अगर कोई मतलब आपसे अगर मैं गुजारिश करूँगी, अगर आप बता सकते हैं कि सक्सेस आपके लिए क्या हो सकती है, ताकि दूसरे लोग भी जवाब दे सकें. बेहतरीन, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अगर एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर मैं पूछूं कि सक्सेस आपके लिए क्या है, तो आप क्या बताएंगे सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? हाँ, सक्सेस आपके लिए क्या है? गुड फैमिली, गुड हेल्थ, काफी पैसा, खुशहाल जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, और लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी. बोलिए सर. Happiness is your success, of course. तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप गौर और फिक्र करेंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी आपकी फैमिली से है, और आपको फैमिली को खुश रखने के लिए आपको उनको ऐसे सहूलतें देने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो खुश रहें, वो कंफर्टेबल रहें, और उसके साथ दुनियावी और क्या बोलते हैं दीनी बैलेंस तरीके से आप अपनी जिंदगी गुजार सके. करेक्ट. तो पैसा एक बहुत ही अहम चीज होती है यहां पे. अगर ये पैसा इज अ वेरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, पैसा गलत हाथ में गया तो गलत इस्तेमाल होता है, सही हाथ में दिया तो सही इस्तेमाल होगा. यानी अगर कोई डॉक्टर को पैसा दे दे तो वो लोगों की मदद करने में, कोई अगर अच्छा डॉक्टर है तो अच्छे लोगों को मदद करेगा, गलत डॉक्टर है तो किडनी बेचेगा. सिंपल एज दैट, राइट? तो ये जो सिचुएशन है मनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लॉकडाउन ने हमको एक ऐसा तरीका सिखाया है कि अगर आपको कैद कर रखा जाए, जैसे कि रमजान के तौर पे बोलते हैं कि शैतान को कैद कर रखा जाता है, आप खुले तौर पे आप गुनाह नहीं कर सकते, आपको शैतान भड़का ही नहीं सकता. इसी तरीके से आपको बोला गया है कि लॉकडाउन में आपको कैद कर रखा है, चलो अपना दिमाग इस्तेमाल करो और बोलो कि आप अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान आप कैसे हासिल करोगे. वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो 2 साल दिया है अपने कुदरत ने के बॉस लॉकडाउन दे रहे हैं हम आपको, सोचो कि आप किसके पीछे भाग रहे हो. तो जॉब्स नहीं थे, घर के बाहर निकलना मुश्किल था, बस लोगों को यह था कि बस
थोड़ा बहुत घर के लिए खाना पीना है, कहीं ट्रैवल करने का नहीं है, बेसिक एंटरटेनमेंट है, सोना है, खाना है, लाइफ उसमें ही सीमित है। और सब लोगों के दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह कोरोना से महफूज रख, या अल्लाह मेरी फैमिली को महफूज रख, वी डोंट वांट टू डाई। पैसा जितना भी हो, 1,000 रुपए जेब में हो या 10 लाख या 10 करोड़ जेब में हो, सबकी दुआ यही थी कि बस कोरोना से दूर रखे जाए, है ना, सिंपल, वेरी सिंपल थिंग्स। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि दिस डिडंट स्टार्ट इन कोरोना, बट आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2018, क्योंकि कोरोना का दौर मेरे लिए 2015 से शुरू हो चुका था, बिकॉज मैंने जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ने के बाद बिजनेसेस में हाथ डाले, फैमिली वॉज नॉट इन टू बिजनेस, डैडी वॉज मोस्टली इन टू गवर्नमेंट सर्विसेज, नो आइडिया अबाउट बिजनेस, MBA किया, पढ़ाया, कॉर्पोरेट में काम किया, बट सेटिस्फैक्शन नहीं था, हैप्पीनेस नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरी लाइफ को लेकर। तो ये जो बीच में जो बिजनेस स्टार्टअप करने का दिमाग में था कि बोले कि हमारे पास ऐसा गैजेट है अपने जेब के अंदर हम लेके फिर रहे हैं, और हम इफ़ यू आर नॉट एबल टू यूज दैट राइटली देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट। जेब के अंदर रखकर आप व्हाट्सअप देख रहे हैं, मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी है, आपके अंदर जो हुनर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, कैन यू यूज दैट टू मेक योर सेल्फ बेटर। उस कॉन्सेप्ट से लेके मैंने अपने वाइफ के साथ डिस्कस किया, बोला कि बॉस हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आइडिया नहीं है, ना मेरे को टेक्नोलॉजी आता है, ना मुझे कुछ ऐसी चीज आती है कि मैं स्टीव जॉब्स या मार्क जकरबर्ग या स्टीव या जो भी बड़ा आदमी आविष्कार कर गया, आइंस्टाइन या न्यूटन बन जाऊं, नहीं, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू। तो मुझे समझ में आया, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ विजिटिंग फैकल्टी, मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को कॉलेजेस में, तो वेरी सिंपल लॉजिक ये था हमारे मार्केटिंग के सब्जेक्ट में कि कन्वर्ट द नीड्स, जरूरियात को आप ख्वाहिशात में बदल दें। आपकी जरूरियात जो है रोटी कपड़ा मकान, इसको आप अपनी ख्वाहिशात में बदल दें, यानी आपको पानी चाहिए जीने के लिए, मगर आप कौन सा पानी पियेंगे आपकी चॉइस है, नल का पानी पियेंगे या बिस्लरी का पानी 20 रुपए का खरीद कर पियेंगे, ठीक है। आपको ट्रैवल करना है, आप बस में जाएंगे, चलकर जाएंगे, साइकिल में जाएंगे या मर्सिडीज खरीदेंगे, आपकी चॉइस है। तो योर नीड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू योर वांट, दैट इज द बिजनेस कॉन्सेप्ट दैट वी ट्राई टू क्रिएट, कि अगर आपके पास एक हुनर है, यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू अ मोनेटाइजेबल प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने क्रिएट किया कि हाउ डिड वी गेट जनरेट 4 लाख्स विथ हैप्पीनेस, यहां का पंच लाइन है हैप्पीनेस, खुशी, यानी 4 लाख काफी लोगों के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है, 4,50,000 दिन में, यानी पर डे हमने कितना कमाया रफली, 1,800 के आसपास, क्या ये बड़ा अमाउंट है? बड़ा अमाउंट है, हर कोई एक नॉर्मल ग्रेजुएट आज के दौर पे कमा लेता है 1,000 रुपए, एक मेस्त्री अगर घर पे काम कर रहा है, अगर कोई नल फिक्स करने आ रहा है तो 500, 600, 800, 1,000 रुपए तो ले ही लेगा, है ना। तो इसमें क्या ऐसी क्या चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि ये चीज जो है आपके दिमाग में बैठ जाए कि बिजनेस इज नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट स्लाइड इफ जानिसार भाई कुड एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंड के विल स्किप ग्राफी पार्ट जानिसार भाई, द नेक्स्ट स्लाइड टू। इस प्रोडक्ट को हमने 4 साल मेहनत किया, 4 साल मेहनत करने के बाद हमको NDTV इंडिया का अवार्ड मिला एज द मोस्ट क्रिएटिव यूनिक बिजनेस मॉडल फॉर 2021। और ये जो साहब हमको अवार्ड दे रहे हैं, इनका नाम है प्रफुल बिल्लोरे, ये इंडिया के MBA चाय वाले के नाम से बहुत फेमस है, यू नो हिम, किसी आपने आप लोगों ने देखा है इसको, ही इनके नाम पे अभी एक मूवी बनने वाली है, बायोपिक बनने वाली है इनके नाम पे। तो उन्होंने MBA पढ़ने गए थे बैंगलोर में, MBA नहीं किया बिकॉज एडमिशन नहीं मिला, तो MBA कॉलेज के बाहर इन्होंने चाय की दुकान डाल ली, और जो जो बच्चे आते थे उनके बारे में पूछताछ किया कि आपको क्या पढ़ा रहे हैं अंदर, आपके नोट्स दो, आप मेरे को सिखाओ, बातचीत करते करते चाय पे चर्चा जैसे कहते हैं, चाय पे चर्चा करते करते इन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया है। अब इनके पास कम से कम 600 से 800 आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया हैं, और ये करोड़पति हैं, नॉट जस्ट इन नंबर्स बट एट द सेम टाइम विद रेस्पेक्ट टू द ब्रांड दैट इज क्रिएटेड। एक छोटी सी चीज विच इज कॉल्ड चाय, जो हर घर में बनती है, हर इंसान पीता है, मार्केट में उसको 10 रुपए मिलती है, माँ की हाथ की पी रहे हैं तो आप फ्री में पीते हैं, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अगर आप उस आइडिया को अगर आप मार्केट में लेके जा सकते हैं, यू आर सक्सेसफुल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सो आवर स्टोरी स्टार्ट ऑफ एज अ कैजुअल बिजनेस डिस्कशन. मैं और मेरी वाइफ सोच रहे थे कि हम लोग ऐसा क्या चीज कर सकते हैं जो हम मार्केट में बेचें. तो वाइफ सेड के मेरे को स्टिचिंग आता है, आई कैन डू मेकअप वेल, मैं खाना भी ठीक ठाक पका लेती हूँ. मेरी वाइफ हैदराबाद से, तो लाजमी है कि हैदराबादी डिशेज हैं. तो हम लोग मैं क्योंकि एक मार्केटिंग प्रोफेसर हूँ, तो मुझे रिसर्च करना मेरा एक बिहेवियर तौर पर तरीका है. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बस चलो खाने पर अगर हम फोकस करेंगे तो ऐसी क्या चीज़ बेचेंगे जो लोग हमारे से ख़रीदने की कोशिश करेंगे या ख़रीदने पे इंटरेस्ट हो जाएंगे. व्हाट इज़ इट? बिरयानी को टिक्किया, मल्टीपल आइटम्स. आप हर नुक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया में जाएंगे तो आपको बिरयानी मिलेगी ही मिलेगी. स्विगी जोमैटो पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो एवरी मिनट दे सेल 300 to 400 बिरयानीज एवरी मिनट अक्रॉस इंडिया. कैन यू इमेजिन द मार्केट साइज? इसका मतलब यह है कि बिरयानी हर इंसान खाता है और हर इंसान को मालूम है कि बिरयानी है. तो अगर मैं बिरयानी लॉन्च करूंगा तो हाउ एम आई डिफरेंट? मैं कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करूंगा कि दूसरे लोग जो बेच रहे हैं, यानी मल्टीपल बड़े बड़े रेस्टोरेंट से जो बेच रहे हैं, मैं उनसे अपने आप को कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा? तो मैंने बोला कि ठीक है फाइन, हैदराबाद में क्या मिलता है? व्हाट इज हैदराबाद फेमस फॉर? पाया. और हैदराबाद इज फेमस फॉर व्हाट? नहारी, हलीम, व्हाट एल्स? बिरयानी, व्हाट एल्स? हैदराबाद इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कल्चर. जो कल्चर इंसान को कनेक्ट करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि हैदराबाद क्यों जाएंगे आप बोलेंगे बॉस हैदराबाद की हलीम खाने के लिए, हैदराबाद का बिरयानी खाने के लिए, हैदराबाद के पाए खाने के लिए. लखनऊ क्यों जाएंगे? लखनऊ की बिरयानी खाने के लिए. बॉम्बे क्यों जाएंगे? वड़ा पाव खाने के लिए. साउथ इंडिया में क्या मिलेगा? डोसा मिलेगा. एवरीथिंग, एवरी कल्चर इज रिलेटेड टू इट्स फूड एंड द पीपल. ये बहुत ही अहम चीज है जो आपको और हमको सीखना है, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कस्टमर एंड रिजल्ट में उसको क्या चाहिए. बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज हमने डिसाइड किया कि हम लोग फूड बिजनेस में जाएंगे. ये फूड बिजनेस सिंपल होना चाहिए, कस्टमर्स को इंटरेस्ट भी होना चाहिए. तो इंसान इंडिया में 80% ऑफ द पीपल आर नॉन वेजिटेरियंस, 80%. और 80% ऑफ द पीपल जो नॉन वेजिटेरियंस है उसमें से 70% आर चिकन ईटर्स. मटन आर वेरी लो, बीफ एक हद तक, बिकॉज आपको आमतौर पे बीफ नहीं मिलेगा मार्केट में इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट्स वगैरह, बहुत ही कम सेलेक्टेड. बट हर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो चिकन आइटम तो जरूर मिलेगा, वेज मिलेगा, चिकन मिलेगा. मटन भी थोड़े रेस्टोरेंट्स बेचते नहीं बेचते, मगर उस मटन में भी हमको एक ऐसा आइटम हमने चूज किया है विच इज सेलेक्टेड, विच इज कॉल्ड पाया सूप, जो हैदराबाद में काफी फेमस है और हमारे घर पे खास तौर से बनता है. और हमने रिसर्च किया, यहाँ पे टेस्ट किया अपने मार्केट से ओनली थ्रू आर व्हाट्सअप. तो वी वेर एबल टू यूटिलाइज अ बिजनेस मॉडल जहां पे हमने एक रुपया भी स्पेंड नहीं किया मार्केटिंग पे. वी जस्ट यूटिलाइज द ऑपर्चुनिटी ऑफ यूजिंग व्हाट्सअप एज आर बेसिक प्रमोशन टूल. फोर ईयर्स डाउन द लाइन मैं आपको बताऊंगा मेरे नंबर्स क्या है. इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड, कि हम लोग क्या करते हैं. होल्ड ऑन. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आप आज के दौर पे घर बैठे आप अपना किचन चला सकते हैं, आपका स्टेशनरी वर्ल्ड चला सकते हैं, आपकी मेकअप चला सकते हैं, आपका स्कूल चला सकते हैं, आपका आर्किटेक्चरल फर्म चला सकते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस चला सकते हैं, एक ऐसी चीज मेरे अंदाज से नहीं है जो आप घर बैठे बिजनेस नहीं कर सकते. आज के दौर पे, स्पेशली टुडे, 90% ऑफ योर वर्क विल स्टॉप इफ यू डू नॉट यूज योर फोन फॉर अ डे. अग्रीड? अगर आप एक दिन अपना फोन घर में भूल जाएं और गलती से भी आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए, आप बेचैन हो जाते हैं कि बॉस क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, अरे इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला था. जैसे कि आपको नरेंद्र मोदी कॉल करके बोलेंगे बॉस आओ मेरे साथ डील करो, नेक्स्ट अडानी तुम ही बनोगे, है ना, कि हम लोग उतावली हो जाते हैं कि बॉस मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, अभी मैं क्या करूंगा, बेचैन हो जाते हैं हम लोग, है ना. बिजनेस को इसी नजरिए से देखें, आप बेचैन रहिए कि बोले कि आप एक क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज आप दे सकते हैं ताकि लोग आपको उसकी कीमत देने के लिए राजी हो जाएं. वी डिसाइड दैट वी वुड स्टार्ट विद द होम किचन. ये होम किचन क्या होता है? होम और किचन, हर घर में खाना पकता है, हर घर में खाना पकता है, अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी का खाना बनता है. यानी मेरे घर में जो खाना बनता होगा, मेरी माँ की बिरयानी तो बेहतरीन बिरयानी पूरी दुनिया में, वैसी तौर पे आपकी माँ की हाथ की बिरयानी दुनिया में आपके लिए बेहतरीन है, राइट?
बट अगर उसी मॉडल को हम रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो रेस्टोरेंट में कौन खाना पकाता है? 99% रेस्टोरेंट में खाना मर्द बनाता है, और मर्द इसलिए खाना बनाता है बिकॉज उसको वो स्किल में उसने अपनी इल्म हासिल किया है, और रेस्टोरेंट में क्योंकि हजारों लाखों किलोज में पकता है खाना, हजार में बात कर रहा हूं मगर कम से कम एक 15-20 किलो का भी खाना पकाने के लिए ताकत की जरूरत होती है, तो इसीलिए शायद मर्द बाहर आकर काम पका रहे हैं। मगर अब यही कॉन्सेप्ट अगर हर घर में देखें तो हर औरत हर एक घर में 5, 4, 10 लोग का खाना आराम से बना लेती है। अगर यही कॉन्सेप्ट अगर मैं 10 घरों को एक साथ जोड़ लूँ और बोलूँ कि आप एक घर से बिरयानी बनाओ, दूसरे घर से मुझे कीमा बनाओ, तीसरे घर के मुझे रसगुल्ले या गुलाब जामुन पसंद है, चौथे घर वालों ने मुझे रोटी बनाकर दो, पांचवे घर वालों ने अगर मुझे गाजर का हलवा बना के दे दिया, तो मेरे पास मेन्यू कितना बन गया? मेरे पास 10 घर से 10 आइटम मिलेगा, और 10 घर से 10 आइटम अगर मैंने जोड़ लूं और सबका आइटम मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लाकर बेचूं, मेरा कॉस्ट तो जीरो है, मैं तो कुछ बना नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बनाने के लिए मजबूर कर रहा हूं, इन रिटर्न आई शेयर द प्रॉफिट्स विद यू। इसमें क्या हो रहा है, औरत घर के बाहर नहीं जा रही है, घर के अंदर बैठ के पकवान कर अपना घर चला सकती है। ये कॉन्सेप्ट है मार्केट में मगर हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हर घर की औरत जो है मेकअप कर सकती है, मेहंदी डाल सकती है, खाना पका सकती है, स्टिच कर सकती है, एम्ब्रॉयडरी कर सकती है, ज्वेलरी बना सकती है, टीच कर सकती है। 60% ऑफ आवर इंडियन वुमेन हु आर ग्रेजुएट्स आर सिटिंग एट होम एंड वेस्टिंग देयर टाइम। आई विल नॉट कॉल दिस एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मगर वो लोग अपने घर के हद तक सीमित हैं। क्या वो घर के बाहर निकलने से ज्यादा घर बैठकर अगर वो कमा सकते हैं कि दिस इज जस्ट अ खाने का मॉडल? मगर आप लोग सोचिए कि आपके घर में एक ऐसा हुनर हो सकता है जहां पे आप ये बिजनेस को आप एक्सपैंड कर सकें, ठीक है? What we did exactly is we didn't launch an entire kitchen. The next stage is that we are not a home kitchen. We ran a Sunday only home kitchen. ये मजे की बात है कि हम लोग खाना डेली नहीं बेचते हैं, हम लोग खाना सिर्फ संडे को बेचते हैं। क्यों संडे को बेचते हैं? बिकॉज मैं तो मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ, आप लोग भी मंडे टू फ्राइडे काम करते होंगे, घर पे शायद आपकी वाइफ काम करती होगी या बिजी होंगे बच्चों के लिए, बट यू वर्क ओनली ऑन अ संडे। चलो संडे की सही आप 1,000 रुपये कमाने की ताकत रख सकते हैं, 10,000 की भी ताकत रख, मगर लेट्स अज्यूम कि 1,000 रुपये आप कमा लेंगे। वी स्टार्ट ऑफ संडे ओनली होम किचन, बट हम लोगों ने इसके लिए वर्क किया मॉडल। देन वी सेड संडे ओनली, बट हम लोगों ने 10 आइटम नहीं रखना है बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। अगर आप मेरे साथ बिरयानी ऑर्डर करेंगे, आप पाया ऑर्डर करेंगे, कोई और ऑर्डर करेगा, तो मेरा मार्केट जो है स्कैटर हो जाएगा। यानी मैं अगर 10 लोगों का खाना बनाऊंगा, दो लोग एक एक आइटम खा लेंगे, तो मेरा 5 या 6 आइटम वेस्ट हो जाएगा। मैं तो होटल नहीं हूं कि मैं कल रखकर बनाऊंगा। तो मैंने एक आइटम को बार बार मार्केट किया, एक ही चीज को बार बार मार्केट किया, ताकि लोगों के दिमाग में यह आ जाए कि बॉस बिरयानी खाने के लिए मैं कहीं और जाऊंगा, पाया खाने का है तो मैं बेगम्स के पास आऊंगा। दिस इज कॉल्ड पोजिशनिंग इन द मार्केटिंग लैंग्वेज। आपको ये बात जाननी है कि अगर आप कोकोकोला, अगर मैं बात कर लूं, कोकोकोला क्या बनाता है? कोकोकोला को क्या बनाता है? गधा बनाता है, है ना? कोक क्या बनाता है? कोकोकोला एज ए कंपनी क्या बनाता है? एक ऐसा ड्रिंक जो आप सब लोग जानते हैं कि वो आपके जिस्म के लिए इज वेरी हार्मफुल, बट आप लोग सब पीते हैं, मैं भी पीता हूं, बट दे हैव 600 अदर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। अगर मैं आपको बोलूं कि फरारी क्या बनाता है, वो कार्स नहीं बनाता, वो लग्जरी सुपर कार्स बनाता है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मारुति बनाता होगा कार, पैसेंजर कार बोलते हैं उसको, फरारी बनाता है सुपर लग्जरी कार्स। यानी मारुति कार मिलेगा आपको 5 लाख 10 लाख में, फरारी मिलेगा आपको 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में। आप यकीन शॉक हो जाएंगे कि इंडिया में, इंडिया दुनियावी नजरिए से इंडिया को बोला जाता है कि आप गरीब कंट्री हो, है ना? है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पुअर, बट लंबोर्गिनी विच इज अ कॉम्पिटिटर टू फेरारी, इंडिया में उन्होंने 400 कार, एक कार का वैल्यू है 4.5 करोड़, 400 कार बेचा है वो लोगों ने 2020 और 2022 के दौरान
लॉकडाउन में और दे बिकेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया. लंबोर्गिनी फेरारी का जो कंपटीशन है, 4 करोड़ की कार आती है, यानी इंडिया में कैपेसिटी है कि वो चीज़ खरीदें. तो क्यों खरीद रहे हैं लोग? बिकॉज दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द नीश, यानी ये कार से मेरे को यही चीज़ मिलेगी. वी क्रिएटेड दैट कॉन्सेप्ट हियर कि हम लोग सिर्फ संडे को बेचेंगे, एक ही डिश बेचेंगे. एंड द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. संडे ओनली, वन डिश ओनली, प्री ऑर्डर ओनली. तो हमने ये मार्केटिंग यूज किया है कि हम लोगों तक मैसेज बोल देंगे कि बॉस अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप एडवांस में हमको ऑर्डर दे दीजिए. आज तक क्या आपने एडवांस में कोई होटल जाने से पहले कॉल कर बोला है कि मेरी फैमिली आ रही है, मेरा होटल रिजर्वेशन कर दो? किया है आपने? सिर्फ 5-star होटल में होता है. नॉर्मल होटल में जब जाते हैं तो आप ऐसे ही घुस जाते हैं, वो बोलेंगे 5-10 मिनट वेट कर लो, मिल जाएगा टेबल, है ना? मगर वो 5-star थिंकिंग हमने रखा और बोला कि कस्टमर को, आपको संडे को अगर पाया ऑर्डर है, मेरे पास सिर्फ 50 प्लेट है बॉस, हम बना सकते हैं, होगा मेरे पास 10 प्लेट, मगर मैं बोलूँगा बस 50 प्लेट है, आपको प्री ऑर्डर करना है, आपका ये प्राइस है, आप मुझे एडवांस दे देना, मैं आपके घर पर डिलीवर कर दूंगा. दिस डिड नॉट वर्क इन द फर्स्ट इंस्टेंट. मुझे 1 साल लगा ये कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराने के लिए. ये बोला जाता है कि अगर आप झूठ को बार बार दोहराओ तो लोग सच मानना शुरू कर देते. दिस इज वॉट पोलिटिकली पीपल फॉलो. बट अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ मार्केटिंग. अगर बार बार आपको बोला गया कि कोका-कोला आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको उससे खुशी मिलती है, आपको उससे नींद उड़ जाती है, आपको उसमें मजा आ जाएगा पीने के लिए, तो आप उसको बिलीव करने लगते हो, है ना? तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. अगर आपके पास एक प्रोडक्ट और एक सर्विस है तो आप उसको बार बार दोहराएं, एक ही प्रोडक्ट को रिपीट करें, चाहे आपको फेलियर हो या सक्सेस हो, आप रिपीट करते जाएं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. होम किचन कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आता है, बट द रीजन दैट वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट इज डिटेल में जाकर हमने फाइनली ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया, दैट वी आर संडे ओनली, वन डिश ओनली, प्री ऑर्डर ओनली एंड डिलीवरी ओनली मॉडल. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पर लोग ढूंढ कर आते हैं कि समझते हैं कि पाया इनके होटल में मिल रहा है, इनका घर एक होटल है, तो चलो इनके पास जाकर खाते हैं. एवरी संडे हमारे पास कम से कम 2 या 3 लोग आ जाते हैं थिंकिंग दैट इट्स अ होटल, और हम उनको घर में बैठा कर एज अ गेस्ट उनको खिलाते हैं, सेइंग दैट हम लोग होटल नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, टुडे वी आर अवेलेबल ऑन जोमैटो, टुडे वी आर अवेलेबल ऑन स्विगी, टुडे वी आर डूइंग मच बेटर देन व्हाट वी स्टार्टेड 4 years अगो. तो ये मेरी जो जर्नी आपसे शेयर करने की जो मैं जरूरत कर रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज के हमने एक कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्शलाइज किया. ऐसा नहीं कि हमारा पाया दुनिया का बेस्ट पाया, नहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे पाए मिलेंगे आपको, बहुत ही अच्छी बिरयानी भी मिलेगी मार्केट में, मगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्रिएट करे, कस्टमर में आपको ट्रस्ट क्रिएट कर अगर आप बार बार ये बात दोहराएं कि अगर आप संडे को हमारा पाया नहीं खा रहे हैं तो आप कुछ लूज कर रहे हैं. आपका संडे कंप्लीट नहीं है. अगर आज संडे ही है तो मैं इंशाल्लाह, देखिए यहां पे मेरे को एक ऑर्डर भी मिल गया है नेक्स्ट संडे के लिए, प्री ऑर्डर भी मिल गया है माशाल्लाह. तो ये होता है मार्केटिंग, राइट? सो इसीलिए कि मैं आई विल स्टॉप विद दिस, मैं इसके आगे और नहीं जाऊंगा, बिकॉज मेरा मकसद ये था कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, भले ही वो इंश्योरेंस हो, भले ही वो इन्वेस्टमेंट हो, भले ही रियल एस्टेट हो, भले ही घर बैठे आप ट्यूशन को पढ़ा दें, यानी मेरे डैडी एक हैदराबादी जोक है अगर मैं आपको शेयर कर सकूंगा तो, UKG का बच्चा फेल हो जाता है, UKG में बच्चा फेल हो जाता है, तो बोलता कि हैदराबादी लहजे में, क्या मियां फेल हो गए? UKG में फेल होते कौन तुम्हें? बोलता हाँ बा फेल हो गया, क्या करूँ, क्यों फेल हुए? तो मेरी टीचर मेरे को अंडा देती. मतलब अंडा क्यों देती? मेरे को पसंद नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं पसंद. क्या करता लाइफ में आखिर? मैं LKG की पोटियों को ट्यूशन लेता हूँ. बोला उन्हें LKG की पोटियों को ट्यूशन लेता कहते. कैन यू इमेजिन द कॉन्सेप्ट? द कॉन्फिडेंस इज कि अगर आप UKG फेल हुए हैं तो LKG तो पास हुए हैं ना. अगर आपने 10th पास नहीं किया है तो 8th स्टैंडर्ड तो पास किया है ना.
डिग्री नहीं किया तो एटलीस्ट 12th 10th तो कंप्लीट किया है ना, तो आप 10th वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो. यानी इसका मतलब ये है कि हर सोसाइटी के लेवल में आपसे ऊपर भी लोग हैं, आपसे नीचे भी लोग हैं. आप ऊपर से सीखें, नीचे तक पहुंचाएं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ अ सोसाइटी कैन ग्रो. बस यही चीज को मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि हम लोगों ने 4 साल लिया है ये मुकाम पे आने के लिए. वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की जरूरत है हमें. और दिस इज डन विदाउट अ पेनी. यानी हमने 1 रुपया भी मार्केटिंग में स्पेंड नहीं किया है. हमारा डिजिटल प्योरली ऑर्गेनिक है. गूगल में जो रिव्यूज है प्योरली ऑर्गेनिक है. जोमैटो और स्विगी ऑफकोर्स वहां पे जो टेक्निकलिटीज है, अगर कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा है बिजनेस, क्वेश्चन कर सकता है. मैं, हमारी टीम यहाँ पे, जो कोई भी है, हम लोग यहाँ पे अपना टाइम इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप इसका फायदा उठाएं. हम लोगों ने फायदा उठाया है. हम लोगों ने इस लेवल पर छोटा से कदम लेकर आगे बढ़े हैं. हम चाह रहे हैं कि हर घर में बिजनेस शुरू हो. बिकॉज इस्लाम में तो तिजारत करना तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वी कांट बी स्लेव्स ऑफ कॉरपोरेट. आज के दौर में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आपको निकाल के फेंक रहा है बाहर. आपके बिजनेस से अगर कोई निकाल के फेंक सकता है आपको, सिर्फ आप और अल्लाह, और कोई नहीं. अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, अल्लाह आपको हाथ दे के साथ देगा आपको. बस इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका. अगर आपके पास सवाल है, फसी बाई इज़ वेडिंग फॉर द सवाल, मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. सवाल है तो मैं यहाँ पे ही हूँ. और फसी बाई, प्लीज़. First of all, congratulations for achieving so far, and I wish you all the very best. थोड़े से questions ऐसे थे जो शायद audience को काम आए. अब जैसे आपने kitchen बना लिया या घर पर शुरू कर लिया, delivery का एक बहुत बड़ा problem होता है. तो आपने ये delivery वाले problem को कैसे solve किया? कब Zomato और कब Swiggy का help मिलना चाहिए, और कैसे इनको sign up करना चाहिए, उनका commission क्या होता है, ये सब? हम लोगों ने ये बिजनेस कॉन्सेप्ट लॉन्च किए थे तो मेरे पास, मेरी वाइफ और मेरे साथ मैं खुद था, 2 लोग मेरे नेबरहुड के बच्चे थे जिनके साथ हम लोगों ने खुद, यानी रात भर हम लोग पकाते, फजर के बाद शुरू करते 7 o'clock, वी वुड टेक द पैकेट्स इन आर हैंड्स एंड गो एंड डिलीवर टू द कस्टमर्स माई सेल्फ. मैं, मेरी बीवी और मेरे साथ 2 लड़के थे जो मेरे कम्युनिटी के, हमारे शिया कम्युनिटी के ही बच्चे हैं. उनको मैंने बोलता था कि संडे के लिए आ जाओ यार, 200-300 रुपये कमा लो, थोड़ा हेल्प कर देना. एंड दे आर सो हैप्पी टू हेल्प अस आउट. वो लोग अभी भी मेरे साथ हैं. तो शुरुआत में काफ़ी लोगों ने मेरे, नेबर्स, फैमिली, व्हाटएवर इट इज़, बोले कि बस तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, कहाँ जाके डिलीवरी का काम कर रहे हो, पाया क्यों बना रहे हो, तुम तो किरमानी के ख़ानदान के हो, तुमको पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, ब्ला 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 स्टफ. मगर मेरा जो एक बॉय था, उसने बोला कि बॉस तुम तो अच्छे घर के हो यार, डिलीवरी के लिए तुम जा रहे हो, शियालों के घर के जा रहे हो, तुम शिया हो तो डू यू फील, शर्म आती है आपको? वो बोला कि कुमेल भाई, अगर हम हलाल चीज़ कर रहे हैं तो शर्माना क्या काम. तो अगर आप हलाल की मेहनत से हलाल काम कर रहे हो तो उसमें शर्माने की क्या बात है. तो डिलीवरी हैपेंड इनिशियली विथ अस, मैं, मेरी वाइफ और 2 लोग के साथ. अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी आर ऑन स्विगी एंड जोमैटो. वी इवन डनजो इट. कभी कभी मैं खुद डिलीवर करने जाता हूँ अगर माहौल वेरी टाइट ऑर्डर्स के जैसा हो. बट स्विगी और जोमैटो के लिए आज आप 0 रुपीज़ और 0 डॉक्यूमेंटेशन. 0 डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि इतना टेंशन का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. यू जस्ट नीड टू गेट एन FSSAI लाइसेंस. दिस इज फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी का रेगुलेशन बॉडी है. वो आपको 500-1000 रुपये में आ जाएगा. और अगर आपके पास एक आउटलेट है वहाँ पर, अगर आप घर के अतराफ या घर के बाहर अगर आप अपना किचन या होटल लॉन्च कर रहे हैं, देन यू हैव टू टेक द गवर्नमेंट लाइसेंस विच इज द फूड FSSAI लाइसेंस एंड द शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस. अलॉन्ग विद दैट GST आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, टिल द टाइम यू टच अबाउट 20 लाख की कुछ रिक्वायरमेंट्स है. बट विदाउट GST ऑल्सो यू कैन सेल ऑन स्विगी एंड जोमैटो. वेरी नाइस. इनफैक्ट जो एक और चीज़ उसमें होती है, वो नुआंस होती है कि पेमेंट्स कैसे कलेक्ट करें. इसके लिए आप, यू कैन गेट इन टच विथ ICICI और विथ मी, बिकॉज आई कम फ्रॉम पेमेंट्स बैकग्राउंड. थैंक यू वेरी मच. एक और लास्ट क्वेश्चन था. यू आर अ प्रोफेसर एज वेल, वेल एजुकेटेड, एंड यू आर कनेक्टेड विद यूनिवर्सिटीज़. काफ़ी सारे लोगों में एक अच्छा स्किल सेट होता है,
राइट, कोई कॉमर्स में बहुत अच्छा होता है तो कोई केमिस्ट्री में, कोई फिजिक्स में, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है, राइट? हाउ डू दे एक्चुअली मेक मनी ऑनलाइन, राइट? कैसे इजी या डिफिकल्ट है ऑनलाइन आना, ऑडियंस गैदर करना और पैसे बनाना? पैसे बनाना ऑनलाइन इज लाइक फार्मिंग, खेती बाड़ी, यानी पहले आप सही बीज सही ज़मीन में अगर आप बोएंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने फल आज उगा दिया डाल दिया कि दो तीन साल के बाद झाड़ का वेट करेंगे, ऑनलाइन में ये दो महीने में हो सकता है, प्रोवाइडेड यू फोकस। यानी मैंने बोला है कि अगेन मेरे वालिद साहब बहुत बेहतरीन मिसाल दिए हैं कि अगर आपके पास एक कील है और एक हैमर है तो अगर आप दीवार पर जाके मारेंगे तो वो कील और वो हैमर भी उसी के मिजाज से मिलती जुलती होनी चाहिए। यानी जो जो नेल होता है वो वुड के लिए अलग होता है, सेरामिक के लिए अलग होता है और सीमेंट के लिए अलग होता है। तो इफ़ यू आर नॉट एबल, यानी काफ़ी लोग ये करते हैं कि बॉस चलो आज खाना पका देते हैं, बिरयानी स्टार्ट कर देते हैं, दो हफ्ता तीन हफ्ता ट्राई किया चला नहीं, चलो कुछ और बना लेते हैं, चलो रियल एस्टेट में हाथ डालते हैं, चलो हम ये कुछ और करते हैं। तो इसमें क्या जंप अप होते रहते हैं तो आप दीवार खराब कर रहे हैं। बस कील 10 मारों में एक ही मार में जाएगा आफ्टर द 10 शॉट्स, द 10 शॉट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑनलाइन में अगर आपको कमाना है तो यू प्लीज स्टिक टू योर कोर स्किल्स। जैसे कि मैंने जोक बोला, यूकेजी का बच्चा अगर फेल हुआ, एलकेजी तो पास किया है, तो अगर आप कॉमर्स में गुड हो कॉमर्स का एक स्ट्रीम पकड़ लो, फाइनेंस में गुड हो अकाउंटिंग गुड हो अकाउंटिंग सिखाओ, ड्राइंग आता है ड्राइंग सिखाओ, कम्युनिकेशन आता है कम्युनिकेशन सिखाओ, इंग्लिश ग्रामर आता है सिखाओ, अरबिक आता है, उर्दू लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यकीन नहीं मानेंगे, देर आर पीपल फ्रॉम जापान एंड कोरिया आर लर्निंग कन्नड़ा एंड तेलुगु लैंग्वेजेस इन इंडिया, दे आर लर्निंग, आउटसाइडर्स आर लर्निंग, चाइनीज आर लर्निंग अदर लैंग्वेजेस सो दैट दे मास्टर दैट एरिया। सो लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल। हम लोग लाइट ले लेते हैं, हम लोग जाके जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, अरेबिक सीखने के लिए हमको वी डोंट वॉन्ट टू यूज दैट। सो लैंग्वेज इज अनदर वे ऑफ अर्निंग इट। All you have to do is to ensure that you use free platforms like Instagram, Google My Business, make use of the content. जैसे कि मीर इरफान अली पहले फर्स्ट स्पीकर जो थे, उन्होंने कॉन्टेंट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया। आपको जो भी प्रोडक्ट है अगर आप वो ऑडियंस के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं अपने WhatsApp के थ्रू, अपने Instagram के थ्रू, अगर आप रोज अपना इल्म नहीं जाहिर कर रहे हैं लोगों तक, लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके पास क्या इल्म है। As simple as that, है ना? तो अगर वो continuously करेंगे, जो कुछ भी business है आपका, mutual fund का business हो या insurance का business हो या real estate का business हो, आपको सिर्फ अपना voice record करते, अगर आपको चेहरा नहीं दिखाना आता, आपको confusion है चेहरे से, अगर आप confident नहीं है, आप अपना voice note, एक minute का voice note अपने आप को भेज कर सुने कि इससे किसी को सीख मिल रही है कि नहीं। जब वो सीखेगा तो आपसे trust gain करेगा, जब वो trust gain करेगा तो आप वो आपके पास आएगा business करने के लिए। तो पूरा बिजनेस का दौरो मदार इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, वो ही है आपकी जमीन जो आपको बरकरार रखना है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। मैंने आपको NDTV पे देखा है, मैं विश करता हूं कि हर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक चैनल आपको बुलाए। थैंक यू। यस यस प्लीज गो अहेड। जी 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 वेरी सिंपल कि जब हमने स्टार्ट किया, हमने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, यानी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। यानी हमारे पास अगर कपड़े बेचने की दुकान है फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं फॉर्मल्स भी रखूंगा, कैजुअल्स भी रखूंगा, लेडीज़ वेयर भी रखूंगा, बच्चों के लिए भी रखूंगा, तो उसमें क्या था, मेरा स्टॉक बढ़ेगा मेरा सेल कम होगा। तो मैंने अपने आप को पोजीशनिंग किया, इसलिए मैंने बोला कि वर्ड पोजीशनिंग, कि आप अपने आप को एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए माहिर बने कि बॉस आप अगर बच्चों के लिए माहिर है तो सिर्फ बच्चों के कपड़े बेचें। तो हमने जब पोजीशनिंग स्टार्ट किया तो हमने हैदराबादी पाया के जैसे लॉन्च किया। टुडे वी हैव 4 डिफरेंट आइटम्स। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ पाया बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग बिरयानी, वी आर सेलिंग हलीम, वी आर सेलिंग खुबानी का मीठा, बट वी हैव रेस्ट्रिक्टेड आवर मेनू, क्योंकि कस्टमर को जितना चॉइस देंगे उतना वो एक्सप्लोर करेंगे। आपको कस्टमर को चॉइस नहीं देना है, यू हैव टू बी अ लंबोर्गिनी। आपको मारुति नहीं बनना है, मारुति का आप जाके आप
कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसको 10 मॉडल रहेंगे, 10 मॉडल के 10 वेरिएंट्स देगा वो, 5 लाख से लेके 20 लाख तक आपको कार मिलेगा, यानी हर एक को खुश करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास कैपेसिटी है तो कर रहा है, मगर आपको फरारी बनना है। मेरे पास एक ही मॉडल है, 4 करोड़ का प्रोडक्ट है, ये बेस्ट है आपके लिए, आप लो। यानी आप कोई भी बच्चे को पूछ लोगे तो आपको आपकी ड्रीम कार क्या है, तो नहीं बोलेगा कि मेरे को मेरी ड्रीम कार मारुति है, वो बोलेगा मेरी ड्रीम कार फरारी है, मर्सिडीज है, BMW है। भले ही वो बेचारा शायद ही वो हासिल कर पाएगा, शायद ही हमारे खौम में कोई है जो फरारी या लंबोर्गिनी चला सके, रोड्स भी ठीक नहीं है चलाने के लिए, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट हियर इज इफ यू हैव टू स्केल दिस प्रोडक्ट अप, यू लॉन्च विद वन एंड देन यू एक्सप्लोर, उसके साथ आप एड ऑन करते रहिए। अगर आपका मार्केट बड़ा, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। सर का सवाल ये था कि काफ़ी घरों में माहौल ऐसा नहीं है कि वो लोग अपना बिजनेस को आगे ले चले, और उनको खुद नहीं पता कि वो किस चीज़ में गुड हैं या बेटर हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, करेक्ट। ये भी सवाल, तो इसमें एक वेरी सिंपल चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास जब हमने पाए का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, इस पकवान, क्योंकि हर घर पकवान करते हैं, तो हमारे जो नेबरहुड के जो 3-4 लेडीज़ हैं, हमने उनको प्रपोजल रखा कि आप आओ हमारा हाथ बटाओ, हम आपको दिन का 200, 300, 500 जो भी है देंगे। और उनमें से एक दो लोग अभी तक हमारे साथ हैं, 5-6 लोग आए थे मगर किसी ज़रूरियात और वजहात की वजह से दे कुड नॉट फॉलो अप। बट वैसी चीज़ अगर आप बोलेंगे कि वेरी कॉमन चीज़, आप देखेंगे MLA के फंड्स हो या कोई भी गवर्नमेंट फंड्स हो, पहले लेडीज़ के दिमाग में आएगा तो बोलेंगे कि बॉस स्कूल में टीचिंग के लिए डाल दो, नहीं तो स्टिचिंग के लिए एक फैक्ट्री में उनको भेज देना कि उनको C1 आता है। नहीं, हमारे पास इतना हुनर है कि हर बच्ची आज मेकअप के ट्यूटोरियल्स कर रही है, छुप छुपा के कर रही है, क्योंकि उनके वालिद उनका सपोर्ट नहीं देते, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करते, मगर शादी के टाइम पे तो किसी और के ब्यूटी पार्लर पे जाकर ज़रूर अपने आप को मेकअप ज़रूर लगाएंगे, मगर खुद अपने घर में अगर कोई लड़की मेकअप कर रही है इन द रेस्पेक्टिव इस्लामिक हैबिट, बट यू हैव अ प्रॉब्लम, है ना। तो अगर हम लोग ऐसा क्रिएट करें बकेट्स के, आप मेकअप के लिए 10 लेडीज़ हैं इंटरेस्टेड, हाँ मेहंदी के लिए है, स्टिचिंग के लिए है, अगर उनकी में आप रिसर्च कर आप उनको बकेट्स में डालेंगे और उनके लिए एक अलग मदरसा चलाएंगे, ताकि वो अपना वीकेंड में आकर, चलिए कुरान के साथ आप 1 घंटा अपना हुनर भी सीख लीजिए, तब जाकर आपका इंशाल्लाह। खैर जी सर, जी जी ये मॉडल हमने रिसर्च किया है विथ मैकडॉनल्ड्स, विथ KFC, विथ पिज्जा हट। अगर आप देखेंगे ये जो इंटरनेशनल चेन्स होती हैं, इनका 90% स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में होता है। जैसे कि फोर्ड जो एक कंपनी था, दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप पहले बच्चों को ट्रेन करें, या जो भी आपका इक्विपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर द नीशेस, प्लीज ट्रेन देम कि आपको क्वांटिफाई वे में आपको पकवान होता है। यूजली क्या होता है पकवान में, जो माहिर लोग होते हैं वो 10 kg गोश्त, 15 kg चावल, नमक का पैकेट खाली कर दिया, अंदाजे से बनाते हैं और 99% उनका अंदाजा सही हो जाता है। मगर जब आप बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको यू हैव टू सिस्टमेटाइज, यू हैव टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 kg का बिरयानी पकाना है, तो यू हैव टू यूज दिस एंड दिस क्वांटिटी, सो दैट योर कुकिंग गोज अप इन द मोस्ट स्टैंडर्ड। तो हम लोग वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर है, वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट दैट, एंड इट इज स्टिल अंडर टेस्टिंग प्रोसेस, वी आर फेसिंग चैलेंजेस, वी विल इंशाल्लाह ओवरकम दैट विद योर दुआस। जी जी
जी This is the entire concept that we have proposed for 2025, inshallah, where we are going to have 100 women working with us in every city. So we have targeted 4 cities. This is a plan for us for 2025, inshallah. Aapki dua agar hai, so we want to make this a 100 women oriented centered kitchen under the brand Begums, inshallah. Ji sir. जी जज़ाकुम अल्लाह खैर, शुक्रिया. मैं इसमें यू नो मेरे माँ बाप के लिए दुआ की जरूरत है कि उन्होंने वो सही तरह किसी का सवाल मेकअप के था. बोलिए अंकल. मैं बहुत ही सिंपल चीज है, अगर आप लोग अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक आज के दौर पे हर बच्चा अगर 10-12 साल के ऊपर का है और बूढ़ा भी है, इंस्टाग्राम तो देखता ही देखता है ना. तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है मगर आपके बच्चे हैं तो उनको मोटिवेट कीजिए. अगर वो मेकअप में भी इंटरेस्टेड है, इस्लामिकली अगर आप फॉलो करेंगे अपना हिजाब और अपना यू नो वॉट एवर इस्लामिक लॉज के हिसाब से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मेकअप ब्राइडल मेकअप इंडस्ट्री इज वर्थ बिलियंस. सिर्फ एक शादी में आप 15,000 से 50,000 तक आप चार्ज कर सकते हैं एक शादी में. और आप यकीन नहीं मानेंगे, दिल्ली में देवर क्लोज टू अबाउट 100 crores इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वट एवर द नंबर वॉज. सिर्फ एक दिवाली के सीजन के बाद जो दिल्ली में सीजन हुआ, मार्केट वॉज ह्यूज. एक शादी में अगर आप ले लेंगे तो खाने पीने का तो होता ही है, मेकअप का होता है, कपड़ों का होता है, ज्वेलरी का होता है. अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो उसके लिए डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, मेस्त्री, सीमेंट सप्लायर, जो कुछ भी है. तो हर एक रोटी कपड़े मकान के अतराफ जो बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है. मार्केटिंग के लिए वेरी सिंपल, आप अपना डेली एक वीडियो 10 सेकेंड का बोलेंगे कि बॉस ये मेकअप हम चेहरे के लिए कर रहे हैं, आंख के लिए कर रहे हैं, लिप्स के लिए कर रहे हैं, हाथ के लिए कर रहे हैं. आप अपना प्रोडक्ट अगर आप कोर्स में बना देंगे, इसको एक सिखाने के लिए अगर आप बना देंगे तो लोग सीखेंगे और आपके पास पैसा देकर करवाएंगे भी. अगर आप बोलेंगे कि लोगों के पास कि मैं मेकअप अच्छा करती हूँ, मैं आपकी शादी में आपको खूबसूरत दिखाऊंगी, आपको हुर परी बना दूंगी, शायद ही आ जाएंगे. मगर आप अगर उनको सिखा देंगे कि मैं इस तरीके से अपने आप को संवार रही हूँ, आप भी संवार सकते हैं, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ, तो जब आप सिखाते हैं लोगों को तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और वो ट्रस्ट क्रिएट करने से आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है. तो आप पहले सिखाएं तब जाके आपको लोग पैसा देकर करेंगे. जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू सो मच. मैंने बहुत टाइम लिया आप लोगों का, इतमा से दुआ.